आम का मौसम हो और हम आम की आइसक्रीम ना बनाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आज मैं आपके लिए चार चीज़ों से बनने वाली एक मज़ेदार किस्म की मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी लेके आई हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू कुकिंग स्टोरीज। आज मैं मैंगो आइसक्रीम की बहुत आसान और मज़ेदार किस्म की रेसिपी लेके आई हूँ। सिर्फ चार चीज़ों से बनने वाली ये रेसिपी है, बहुत मज़े की है, बहुत आसान है, लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। सबसे पहले हमने आम ले लेने हैं 3 से 4 अदद, उनका जितना भी पल्प है हमने अलग कर लेना है, गुठली वगैरह हटा देना है। और आम जो है वो मीठा होना चाहिए, खट्टा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो हमने ब्लेंडर जार में जो है वो मैंगो ट्रांसफ़र कर देना है, जितना भी हमने काट के रखा है। आम डालने के बाद हमने इसमें 2 पैकेट जो है वो हैवी क्रीम के डाल लेने हैं और इसमें जो है अच्छे से इसको ब्लेंड कर देना है। हैवी क्रीम के बाद जो है वो हमने इसमें डाल लेना है चीनी। चीनी जो है वो अपने जायके के मुताबिक डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं 5 टेबलस्पून डाल रही हूँ। साथ में इसमें 1/2 कप के करीब खुश्क दूध ऐड कर लेना है, थोड़ा सा इसका जो टेस्ट है वो इन्हेंस हो जाता है। तो बस हमने अच्छे से इसको ब्लेंड कर देना है और ब्लेंड करने के बाद जो है वो आपने इस तरीके से इसका पेस्ट बना लेना है। तो बस पेस्ट बनाने के बाद आप इसको किसी भी कंटेनर में रख के और ओवरनाइट के लिए या फिर 7 से 8 घंटे के लिए आपने इसमें फ्रीज़र में रख देना है। और आप यहाँ पे मैं अपने बच्चों के लिए कुल्फ़ी शेप की बना रही हूँ, तो मैंने कहा चलो मैंगो आइसक्रीम की कुल्फ़ी भी बनाई जाए, तो मैंने कुल्फियाँ भी बना ली हैं। तो आप चाहें तो सारी कुल्फियाँ बना लें या सारी आइसक्रीम बना लें, आप किसी भी कंटेनर में रख लें। अच्छा, कंटेनर को आपने ढक्कन लगाने से पहले जो है वो इस तरह प्लास्टिक रैप से लाजमी रैप करना है, इस तरीके से ये क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे और बहुत स्मूथ आइसक्रीम हमारे पास तैयार होगी। तो बस इसको रैप करके रख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि सिर्फ 4 आम से कितनी ज़्यादा आइसक्रीम हमारे पास तैयार हुई है। आप चाहें तो इसका हाफ जो है वो भी बना सकते हैं और आप चाहें तो इसका बिजनेस भी कर सकते हैं। आपके लिए एक बिजनेस का आइडिया भी है, अगर आप घर बैठे करना चाहते हैं या आपको स्टॉल वगैरह खोलना चाहते हैं, तो बहुत ही ईजी और सस्ती रेसिपी है। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। ऐसी ही आसान रेसिपीज़ के लिए मुझे फॉलो लाजमी कीजिएगा। तो बस मैंने यहाँ पर रैप करके इस पर ढक्कन लगा लिया है। अब हम इसको रखेंगे तकरीबन 8 से 10 घंटों के लिए डीप फ्रीज़र में। आप चाहें तो इसको ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं, अगर ठंड है तो आप कम टाइम के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन पूरी रात के लिए रखें तो ज़्यादा बेहतर है। तो अब हमने पूरी रात इसको फ्रीज़र में रखा है और उसके बाद आप देख सकते हैं कि कितने मज़े की जो है कुल्फियाँ तैयार हुई हैं। आप देख सकते हैं बहुत मज़े की जो है आइसक्रीम बनी थी और सबको बहुत पसंद आई थी। तो आप देख लें कितने मज़े की जो है शेप आई है, कितने मज़े की आइसक्रीम बनी है, लाजमी ट्राई कीजिएगा। आप देख सकते हैं कि जो कंटेनर में मैंने रखी थी वो आइसक्रीम भी बहुत मज़े की प्रिपेयर हुई है, बिल्कुल भी कोई क्रिस्टल्स नहीं बने और बहुत ही स्मूथली जो है वो अपने कंटेनर से अलग हो रही है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो इसको थम्स अप दीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी ही आसान रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना, मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।